आज की स्टोरी तो बच्चों की है। बच्चे इनोसेंट होते हैं ये तो हमने काफी बार सुना है और काफी बार बच्चों को क्राइम करते हुए भी सुना है। कुछ बच्चे पैदा ही मेंटली अनस्टेबल होते हैं और कुछ बन जाते हैं। तो आज की कहानी भी ऐसे एक बच्चे की है जिसके ना कोई इमोशंस है, ना वो रोता है और ना ही उसे दर्द होता है, और इसी बीच वो किसी का खून कर देता है और कुछ इस तरह, जिसे सुन के आप चौंक जाओगे। और वो ये क्यों करता है? मजे के लिए। उसे इन सब में मजा आता है। एक लड़का था रजत नाम का, जो असम में अपनी माँ के साथ रहता था। बाप ने बचपन में ही छोड़ दिया साथ। अब माँ बेटे के साथ चाय एस्टेट में रहती है और वही काम करती है। ये बच्चा, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और कहा जाता है कि इसके पापा इसे बचपन में बहुत मारते थे, और ये जब पेट में था तब इसकी माँ को भी बहुत मारते थे इसके पापा। शायद यही वजह होगी कि ये थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, और इसीलिए उसके कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि जो भी उसके दोस्त बनते वो 2 या 4 दिन बाद उससे बात करना बंद कर देते थे। उन बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रजत उन्हें काफी डरावनी कहानियां सुनाता था और हंसता था, जिससे उन्हें काफी डर लगता था। और रजत कभी भी नहीं खेलता था, सिर्फ कहानियां बताना पसंद करता था उससे, इसीलिए सारे बच्चे उससे दूर होने लग गए। रजत हमेशा अकेला ही रहता था, क्योंकि उसकी माँ सिर्फ चाय एस्टेट में नहीं बल्कि उस चाय एस्टेट के ओनर के घर पे भी काम करती थी, और इसी वजह से रजत ओनर के घर भी जाने लगा, और वहाँ उसने एक नया दोस्त बना लिया जो था ओनर का बेटा। ये दोनों पूरा दिन खेला करते थे और अलग होना ही नहीं चाहते थे। एक को कहानी सुनना पसंद था और एक को बताना। ये दोनों अब एक टीम हो गए थे और पूरा दिन घूमा करते थे। अब ओनर का बेटा बाकी बच्चों से बात करता और सब उनके दोस्त बनने लग गए फिर से। एक दिन एक बच्ची घर से निकली और शाम हो गई, घर वापस नहीं आई, तो उसकी माँ परेशान हो गई और ओनर के घर गई पूछने कि उसकी बेटी कहाँ है, क्योंकि वो उनके बेटे के साथ खेलने निकली थी। ओनर ने अपने बेटे से पूछा तो लड़का कहता कि पापा वो तो दोपहर को ही अपने घर चली गई, उसके बाद मैं और रजत यहाँ आ गए और यहीं पे खेल रहे थे। उस बच्ची की माँ पूरे गांव में उसे ढूंढने लगी, जब रात को उसे अपने बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। सारे लोग जमा हो जाते हैं और वहां रजत और ओनर का बेटा भी होता है, जो साइड में खड़े खड़े हंस रहे होते हैं। ये देख के उनके पेरेंट्स उन्हें मार के घर ले जाते हैं, पर सारे गांव वालों को अजीब लगता है कि डेड बॉडी देख के ये बच्चे हंस क्यों रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 डेथ्स हो गई एक ही महीने में, और सिर्फ उन बच्चों की जो रजत और ओनर के बेटे के साथ खेलने जाते थे। गांव में काफी हंगामा हो गया और अब कोई भी बच्चा इनके साथ खेलने नहीं जाता था। पर ये सब बस शक था, अभी तक किसी को ये नहीं पता कि ये बच्चे मर कैसे रहे थे। अब रजत और ओनर के बेटे को अलग कर दिया गया, क्योंकि ओनर का मानना था कि रजत मेंटली अनस्टेबल है और रजत के साथ रह के उनका बच्चा भी पागल हो रहा है, और गांव में ये भी मानना था कि सारे बच्चों को रजत ही मार रहा था, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर पाया अभी तक। फिर अचानक एक दिन फिर से एक बच्चा दिन में घर पे नहीं था। सब डर गए और सब ढूंढने लगे, और इस बार सब वही गए जहां से सारे बच्चों की डेड बॉडीज मिल रही थी। वहां जाके जो उन्होंने देखा उसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। उन्होंने देखा कि रजत और ओनर का बेटा उस बच्चे के पास थे। रजत हंस रहा था जोर जोर से और उस बच्चे का खून पी रहा था, और
उसी जगह ओनर का बेटा लगातार चाकू से उस बच्चे को मारे जा रहा था। ये सब देख के गांव वाले पीछे से रोने लगे और चिल्लाने लगे, लेकिन रजत और उसका दोस्त वहां बैठ के तब भी हंस रहे थे। तो ये थी आज की कहानी। आई एम सुलेखा सेन एंड आई नरेट शॉर्ट स्टोरीज। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री हॉरर पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोबारा फ्राइडे को एक और मर्डर मिस्ट्री या हॉरर स्टोरी के साथ। और मैं वीकली 2 बार स्टोरीज पोस्ट करती हूँ, मंडे एंड फ्राइडे। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपके स्टोरीज भी शेयर करूँ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।